शब्द 88 सावजन होए भाई सावजन हुई वाकी मांस भखे सब कोई। सावज एक सकल संसारा अविगत वाकी बाता पेट फारी जो देखी रे भाई आही करेज न आता। ऐसी वाकी मांस रे भाई पल पल मांस बिकाई हार गोड़ ले घूर पवारिन आग धुआं नहीं खाई। सिर सिंगी किछुओ नहीं वाके पूंछ कहाँ वे पावे सब पंडित मिले धंधे परिया कविरा बनोरी गावे। ये पूरा सब व्यंग है उन लोगों पर जो अपने से अलग एक परम तत्व की कल्पना करके अपने से अलग ईश्वर ब्रह्म की कल्पना करके उसे पाने की खोज में भटक रहे हैं और उसे पाकर उसमें मिलकर तृप्त होने मुक्ति गति पाने की आशा किए बैठे हैं। आदमी स्वरूप के ज्ञानवश अपने से अलग एक परम तत्व की कल्पना कर लेता है और उसे अपना लक्ष्य मानकर उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है। मानते हैं कि हमारा ब्रह्म हमारा परमात्मा हमारा राम हमारा लक्ष्य हमसे अलग बिछुड़ गया है और जब तक हम उसमें मिलेंगे नहीं तब तक हमें पूर्णता नहीं मिल सकती। साहब बताते हैं कि जिसे तुम खोज रहे हो जिसे तुम राम ब्रह्म ईश्वर खुदा गाड परम तत्व कहते हो वह तुमसे अलग कुछ है नहीं और तुम्हारा ही अपना आपा है। लेकिन इस बात को समझने वाले कितने हैं सुनते आए हैं और सुनते सुनते वह बात दिमाग में इतनी बैठ गई है कि जल्दी हटती नहीं है। ये भी सुन भी लिए थोड़ी बहुत समझ में बात आ भी गई सचमुच कहते हो जो आत्मा है यही तो परमात्मा परमात्मा है और कहां से हम अलग से परमात्मा खोजें। लेकिन फिर होता है आखिर शास्त्रों में बात लिखी हो कोई होता होगा भाई कहीं पर होगा भी चलो मान भी लेते हैं पूजा भी कर लेते हैं क्या हर्ज है। इस ढंग से कहीं ना कहीं आदमी का मन कमजोर हो जाता है। यहां पर आप कहते हैं कि सावज न होए भाई सावज न होई कि हे भाई सावज सावज कर पशु वह पशु जिसका शिकार किया जाता है या जिसका शिकार किया जाए यह अर्थ है लक्ष्य। सीधा हम अर्थ करें तो होगा कि हे भाई जिस पशु का शिकार खेलने के लिए शिकार करने के लिए तुम जा रहे हो वह पशु दुनिया में कहीं है नहीं। लेकिन है कैसे वाकई मांस भखे सब कोई जो पशु दुनिया में कहीं नहीं है सब लोग उस पशु के मांस को खाना चाहते हैं तो मांसाहारी मांस खाते हैं लेकिन उस पशु का मांस खाते हैं जिसे वो सहजता से मार लेते हैं और जो दुनिया में है और जो दुनिया में कहीं है ही नहीं उस पशु को पकड़कर मारकर उसका कोई मांस खाना चाहे तो उसकी आशा पूरी कैसे होगी। और साहब ये कहते हैं कि हे भाई जिसे तुम शिकार मानकर मारना चाहते हो वह पशु दुनिया में कहीं नहीं है। लक्षणार्थ होगा कि भाई जो सावज जिसे तुम लक्ष्य मानकर प्राप्त करना चाहते हो जिसमें स्थित होना चाहते हो जिसे पाकर के पूर्ण और तृप्त होना चाहते हो वह ब्रह्म वह खुदा वह राम दुनिया में कहीं अलग है नहीं। लेकिन आप जाएं दुनिया में
तो अधिकतम धार्मिक मतों में यही बात बताई जाती है कि एक लोक है जहां परमात्मा का निवास होता है और परमात्मा पूर्णाति पूर्ण है, शुद्ध है, बुद्ध है, सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, कृपालु है। जितने सारे अच्छे विशेषण आदमी जहां तक सोच सकता था, कल्पना कर सकता था, वो सारा सारा विशेषण उस ईश्वर पर आरोपित कर दिया गया है। और हर धार्मिक मत में उसकी महिमा का बखान, और नहीं महिमा बखान नहीं है तो नाम का बखान, भगवान का नाम जपो, जपते रहो जपते रहो जपते रहो, कभी तो भनक पड़ेगी दीनदयाल के। अरे आज नहीं तो हजार जन्म के बाद भनक पड़ेगी, कभी तो दर्शन देगा। कितने लोग तो यहां तक कहते हैं तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कितनी मेहनत करो, कितना जप करो, तप करो, ध्यान करो, विवेक वैराग करो, साधना करो, तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं। तुम्हारे जितना कुछ करोगे उससे भगवान नहीं मिल सकता है, तब कैसे मिलेंगे भाई भगवान? कहते हैं देखो, भगवान का नाम जपो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम लेकर भगवान की कीर्तन करके तुम भगवान को जगाओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब भगवान कुंभकर्णी निद्रा में सो ही रहा है बेचारा, तो कैसे जगे, कैसे क्या उपाय भगवान को जगाने का? इतना अखंड पाठ चल रहा है, इतने कितने कितने लाउडस्पीकर लगा करके हजारों फासलों पुकारते आ रहे हैं, आज तक भगवान जगा नहीं, तो क्या आशा की जाए भगवान अब जग जाएगा? लेकिन इसकी बात जहां जाओ वहां पर इसी की बात साहब ने आगे चौथी पंक्ति इसलिए कहा कि पल पल मांस बिकाई, प्रत्येक क्षण हर धार्मिक दुकान में आत्मभिन्न ईश्वर का मांस बिक रहा है, उसी की चर्चा हो रही है। तो हम पहली पंक्ति पर ही आए, सावजन होए भाई सावजन होई, बाकी मांस बखे सब कोई। साहब कहते हैं कि हे भाई, जिसे तुम लक्ष्य मानकर पकड़ना चाहते हो, पाना चाहते हो, वह ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर भगवान रूपी शिकार तुम्हारी दुनिया में कहीं है नहीं। जिसे तुम पाकर के अपने जीवन को सफल बना सको, तृप्त हो सको, मुक्ति गति पा सको, परंतु वाकी मांस भखे सब कोई, सभी लोग उसी का ही मांस खाना चाहते हैं, उसको ही प्राणा चाहते हैं। जिंदगी बीत गई खोजते खोजते, पुकारते पुकारते, फिर भी अभी तक लोग हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, समझते हैं कि हम में ही कहीं कमी है जरूर, इसलिए हमें भगवान नहीं मिल रहा है, नहीं तो कृपालु है। हर प्रकार से भक्त भगवान की रक्षा करना चाहते हैं। सावज एक सकल संसारा अविगति वाकी बाता, पेट फारी जो देखिए रे भाई, आही करे जना आता। वह ब्रह्म, वह परमात्मा एक ऐसा शिकार बन गया है जो सबको प्रिय है, और सारे संसार में उसकी प्रसिद्धि फैली हुई है। लेकिन है कैसा वह अविगत, उसका कहीं लता पता नहीं है, कोई उसका कोई मुकाम नहीं है। इंद्र साहब ने कहा, कह दिया है, जाकर नाम अकौर भाई, ताकर काह रमणी गाई। जिसका नाम अकौआ है उसकी रमणी क्या गाते हो? अरे भी कह दिया है, अभी गति की गति का कहो, जाके गांव न ठाव, गुण बिहू ना पेखना, का कह लीजे ना। जो अभिगति है, जिसके गति का कोई ठिकाना ही नहीं है, जिसका कोई गांव ठाव ही नहीं है, उसे कहां खोजोगे? जो गुम रहे थे, मन बुद्धिमानी से परे है, उसे क्या नाम लेकर के पुकारोगे? मन बुद्धिमानी में जो आ जाए तब तो कुछ नाम लेकर पुकारो, मन बुद्धिमानी से परे हैं,
नेति नेति है, अविगत है, तो कहां खोजोगे, क्या नाम लेकर के पुकारोगे। इंद्र साहब ने अन्य और भी व्यंग करते हुए कहा कि दर की बात कहो दरबेसा, बात साह है कौने भेसा, कहां कुछ कहां करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना। हर तरफ साहब ने हर जगह पर व्यंग किया है। और तो यहां साहब कहते हैं सावज एक सकल संसारा अविगत वाकी बाता, वह ब्रह्म आत्मभिन्न ब्रह्म या परमात्मा ऐसा सर्वप्रि शिकार बन गया है, सबको इतना अत्यंत प्रिय हो गया है कि सारे संसार में उसकी चर्चा है और सब उसको खोजने के धंधे में पड़े हुए हैं। लेकिन वह है कैसा, अविगता है, खोजते खोजते थक गए, उसके मुकाम का पता आज तक नहीं लगा भैया कि वो कहां पर निवास करता है। और दुर्भाग्य तो यह, एक और लोग यह भी कहते हैं अरे ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, और कण कण में व्याप्त कहते हुए भी दुनिया जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं। लोगों के साथ विश्वास नहीं है कि यदि कण कण में व्याप्त है तो भटकने की क्या जरूरत, कण कण में है व्याप्त, हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, जहां रहो वहीं पर कर भजन साधन करो, फिर ये तीर्थ वो तीर्थ में भटक करके जिंदगी समाप्त करने की क्या जरूरत, विफल होने की क्या जरूरत। यदि कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारा शरीर भी तो कण कण से बना हुआ है, उसमें भी तो होगा ही होगा। फिर ये मानो कि जब कण कण में है तो मेरे भीतर भी है, खोजने की आवश्यकता ही कहां है। तो ये तो ऐसी बात है कि अपने मुख की वार्ता सुने ना अपने कान, कण कण में कह रहे हैं और खुद विश्वास इस पर कर नहीं रहे हैं, तभी तो खोज रहे हैं भटक रहे हैं। यदि होता कण कण में होता तो शरीर, मेरा शरीर भी कण कण से बाहर नहीं है, उसमें भी निवास कर रहा है, उसमें भी निवास कर रहा है, खोदने की जरूरत नहीं है, बस उसमें तृप्त हो जाओ, रुक जाओ वहां पर, तृप्ति मिल जाएगी, वहां पर भगवान मिल जाएगा। पेट भारी जो देखिए रे भाई, आ ही करेज ना आता। साहब कहते हैं कि हे भाई, वो जो शिकार है, वो जो पशु है, इसे तुम पकड़ना चाहते हो, जिसके मांस को खा करके तृप्त होना चाहते हो, जिस परमात्मा को पा करके कृतार्थ होना चाहते हो, वो ऐसा है कि यदि उसके पेट को फाड़ करके देखा जाए न तो उसमें करेजा है ना आंत है, तो खाकर तो खाओगे क्या फिर, और मिल भी जाए। तो अर्थ यह है कि साहब कहते हैं यदि उस पर कुछ विचार करोगे, तर्क करोगे, तो कुछ ठहरेगा ही नहीं। जैसे ही विचार और तर्क करोगे तो आत्मभिन्न ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोग, भगवत प्रेमी लोग उस पर विचार नहीं करते, कह भाई तुम मान लिए, वो तो श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, और आशा श्रद्धा पर विचार नहीं किया करना चाहिए। आशा श्रद्धा पर विचार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी भावना आहत होती है, बस सारा मामला ठंडा हो गया। ऐसी वाकी मांस रे भाई, पल पल मांस बिकाई। और साहब कहते हैं कि हे भाई, उसके मांस की मिठास ऐसी है कि पल पल हर धार्मिक दुकान में छन छन उसका मांस बिक रहा है, अर्थात हर जगह उसी के कथा कीर्तन चर्चा सर्वत्र चल रहे हैं। ये ठीक है कि लोग अलग ईश्वर मानकर उसकी कथा कहते हैं, कीर्तन उसका कीर्तन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो कुछ सात्विक भावना मन में आती है, लेकिन जिंदगी भर वहीं के वहीं आदमी पड़ा रहे, उसी कल्पना में ही पड़ा रहे, तो पेट कैसे भरेगा, मन तृप्त संतुष्ट कैसे होगा। हाड़ गोड़ ले घूर पवारिन, आगे धुआं नहीं खाई, इसीलिए जब उसमें कलेजा आर कुछ ही नहीं है तो क्या किया, विवेकियों ने उसके हाड़ गोड़ को ले जाकर के घूर में फेंक दिया,
जब कुछ है ये नहीं तो हड्डी को कब तक कोई चूसता रहेगा, उसमें कुछ मिलेगा तो नहीं है। अर्थ है कि जब विवेक विचार करने से वो कहीं कुछ ठहरता ही नहीं है तो उसके पीछे जीवन को बर्बाद क्यों किया जाए, उसकी चर्चा में उसकी भावना में क्यों डूबा रहा जाए। क्योंकि आग धुआं नहीं खाई, वह आग और धुआं सहन नहीं कर सकता। जहां धुआं होता है वहां आग होती है। धुआं आग की पहचान है। यहां का अर्थ यह है कि वह आग धुआं नहीं खाई। ज्ञान का एक भी लक्षण, ज्ञान का एक भी तर्क वह सहन नहीं कर सकता है। ज्ञान से वह कहीं ठहरता नहीं है, इसलिए विवेकियों ने उसी कल्पना को ही त्याग दिया है, यही उसके हार गोल को घूर में फेंक देना है। जितने भी आत्मज्ञानी संत हुए हैं, कहीं के भी हों, वे बाह्य ईश्वर की कल्पना में समय बर्बाद नहीं किए, उसको पुकारने के पीछे पड़े नहीं। वे तो समझे जिस ब्रह्म को, आत्मा को, परमात्मा को, राम को मैं खोज रहा हूं, वो मुझसे अलग कहां है, वो तो मेरा अपना आपा है। ऐसा समझ करके वे अपने में ही स्थित हुए। सिर सिंगी किछुओ नहीं वाके, पुंछ कहां वे पावे, सब पंडित मिले धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। उसकी सिर नहीं है, सिंग नहीं है, तब उसमें पुंछ कहां से पाओगे। सिर हो, सिंग हो, धड़ हो, तब तो पुंछ आए, और उसमें कुछ है नहीं। इसमें साहब ने खंडन किया है जो तृतीय उपनिषद में आया है ब्रह्म का वर्णन, कि इसमें साहब ने उदाहरण में दिया है, तस्य प्रेमेव शिरा मुदो दक्षिणा पक्षा प्रमोदो प्रमोदो उत्तरा पक्षा आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठम, कि प्रेमेव प्री उसका सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद दाहिना पंख है, आनंद आत्मा है, ब्रह्म पुच्छ है। साहब कहते हैं उसमें सिर सिंह कुछ भी नहीं है तो पुंछ कहां से आएगा। ये कहना कि प्री उसका श्री है, मोद दाहिना पंख है और प्रमोद बाहिना पंख है, ये सारा का सारा वर्णन तो भौतिक हो जाता है, फिर उसे भौतिक वस्तु बना डालता है। और यदि ब्रह्म परमात्मा भौतिक वस्तु है तो उसमें उसमें एक स्थिति कैसे होगी किसी की। और भौतिक वस्तु को पा करके उसमें स्थित होकर के कोई किसी को स्थायी तृप्ति कैसे मिल सकती है, किसी का भटकाव दूर कैसे हो सकता है, अखंड संतोष, अखंड सुख कैसे मिल सकता है। जो कुछ भी वर्णन है, सारा का सारा वर्णन भौतिक वर्णन है, उसे भौतिक बना देना है। लेकिन चाहे उसे ब्रह्म कहो, परम तत्व कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, वह भौतिक नहीं है, भौतिकता से बिल्कुल अलग शुद्ध चेतन है। और उसका कोई बाहरी लक्षण नहीं है कि अमुक अमुक उसमें लक्षण है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि चेतन का लक्षण खाली ज्ञान उसका लक्षण है। जहां जहां ज्ञान युक्त क्रिया है वहां वहां चेतन का निवास है, ये कहा जा सकता है। लेकिन उसमें ये कहो उसका ये ऐसा सिर है, ऐसा पूंछ है, ऐसा पैर है, ऐसा पंख है, ऐसा धड़ है, ये सब का सब भौतिक हो गया। इसलिए साहब कहते उसमें शरीर सिंह कुछ नहीं है, फिर पूंछ कहां से आएगी, ये ब्रह्म भी पूंछ कहां से आ जाएगी, जिसमें क्यों पाकर के तृप्त होना चाहते हो, इसमें स्थित होना चाहते हो। सब पंडित में धंधे परिया, कबीरा बनौरी गावे। लेकिन सारे के सारे पंडित, यहां पंडित पुरोहित विद्वान, या पंडित का अर्थ विवेकी नहीं है। आप इसमें पंडित में
कर्मकांडी ले सकते हैं, पुरोहित कर से है कर्मकांडी और पुरोहित, एक बात पुरोहित का काम है ही कर्मकांड कराना, और विद्वान ले सकते हैं। इस सब के सब मिल करके तथागत धंधे परिया अलग माने गए इस ब्रह्म को खोजने के धंधे में पड़े हुए हैं। क्यों? इसी से तो उनका धंधा चल रहा है। नाना मत के पुरोहित अलग एक ईश्वर की कल्पना करके उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उस ईश्वर को पाना, उस ईश्वर को खुश करना, उसमें मिलना, यह आधुनिक जीवन का लक्ष्य है। अब ईश्वर तक मिले, ईश्वर तक पहुंचे कैसे, ईश्वर को पाए कैसे? पुरोहित कहते हैं हमें कुछ कमीशन दो। पुरोहित में है, पुरोहित बनते हैं बिचौलिया, ईश्वर और आम जनता के बीच में बिचौलिया मध्यस्थ है पुरोहित। पुरोहित को दे दोगे तो भगवान को मिल जाएगा। इसीलिए तो ये नाना मत के पुरोहित एक अलग ईश्वर भगवान कल्पना करते हैं, और ताकि उनका जो धंधा है चलता रहे। और जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, उसे पाना नहीं है, तो पुरोहितों धंधा तो चौपट, फिर क्या मिलेगा उन लोगों को? इसलिए नाना मत के पुरोहित चाहे जिस किसी प्रकार से एक अलग ईश्वर भगवान परमात्मा खड़ा करके रखना चाहते हैं। तो सब पंडित में धंधे परिया, नाना मत के पुरोहित पंडित लोग उसे खोदने के धंधे में पड़े हुए हैं, उसका एक रूप खड़ा किए हुए हैं। और कबीरा बनौरी गावे, सामान्य जनता पंडितों के बनाए हुए गीत को गा रही है। लोग कहते हैं आखिर तो ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े पंडित कहते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों में बात लिखी, क्या झूठा है? यही है कबीरा बनौरी गावे। लोग कहते क्या पहले लोग भूले हुए थे, क्या उन्होंने झूठी झूठी बात लिखी है? अरे शास्त्र वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसा लिखा वैसा लिखा है, सब कृत्रिम वाणी को प्रमाण दे दे करके उसको और पुष्ट करने में लगे हुए ही हैं। तो कुल मिलाकर के इस शब्द का भाव यही है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड जिसे आदमी अपना लक्ष्य समझता है वह बाहर कहीं नहीं है, बाहर उसकी कल्पना है। और कल्पना इसलिए खड़ी हुई कि आदमी को आत्मज्ञान नहीं, अपने स्वरूप की सत्ता महत्व को समझता नहीं, इसलिए जो कुछ अपने कमी अनुभव होता है सब की पूर्ति के लिए अलग एक रूप गढ़ लेता है। साहब कहते हैं वह कहीं है, बाहर है नहीं, वह तुम्हारा अपना आपा ही है। इसलिए बाहर से ईश्वर ब्रह्म पाने की कल्पना छोड़ो, मुश्किल भटकाव छोड़ो और अपने आप को जानो।